सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाया था, पूरा डिटेल में आपने उसको पढ़ लिया होगा, ठीक है। आज उसी को थोड़ा सा मतलब क्या कहेंगे उसको फाइनल करने जा रहे हैं। देखिए जो ऑसिलेशंस होते हैं, ये वाले ऑसिलेशन हो चाहे स्प्रिंग के ऑसिलेशन हो, अगर आप उनको ऑसिलेट करा देते हैं ऐसे, तो क्या लगातार ऑसिलेशन चलते रहते हैं वैसे ही जैसे आप चला रहे हो? नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई, कारण क्या है? मीडियम की अपनी विस्कोसिटी होती है, मीडियम क्या करता है उनको धीरे धीरे कम कर देता है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द मीडियम, करता है ना। तो इस प्रकार के ऑसिलेशन जिनमें एम्पलीट्यूड एक कांस्टेंट ना रहे, धीरे धीरे कम हो जाए, उसको हम कहते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? डैम्ड। इसी को डैम्पिंग कहा जाता है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन, और ये जो वर्किंग होती है इसको हम डैम्पिंग कहते हैं। जरा मतलब समझिएगा। देखिए मतलब ये है कि भाई ये टाइम है, टाइम के साथ साथ ये ऑसिलेशन हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो जो हम अभी तक ऑसिलेशन पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमने कहा अगर ए एम्पलीट्यूड है तो लगातार आपको ए एम्पलीट्यूड की वेव मिलती है, लेकिन हम प्रैक्टिकली देखते ये हैं कि जब हम किसी चीज़ को ऑसिलेट कराते हैं तो ये ऑसिलेशन हुआ, ये ऑसिलेशन हुआ, ये हुआ, ये हुआ, धीरे धीरे आप क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि इनका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते होते ये डाउन हो गया। तो ये जो ऑसिलेशन हो रहा है ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है, यानी ये डैम्पिंग हो रही है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है। क्यों हुआ भाई ऐसा? बिकॉज ऑफ द मीडियम। मीडियम की अपनी विस्कोसिटी है, मीडियम ने उस पर फ्रिक्शन लगाया है। समझ में आई बात? तो यानी कि हम कहेंगे कि ऐसा ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ धीरे धीरे घटता रहे और एटलीस्ट जाके खत्म हो जाए, तो इसको डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो लिखिएगा द ऑसिलेशंस इन विच, मेरी आवाज क्लियर आ रही ना, द ऑसिलेशंस इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज ग्रेजुअली विद टाइम, द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज ग्रेजुअली विद टाइम, विद टाइम आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डैम्पिंग, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डैम्पिंग। द ऑसिलेशंस इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज ग्रेजुअली, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होने लगता है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है ना, देखा ही नहीं देखा आपने? हाँ, द ऑसिलेशंस इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज ग्रेजुअली विद टाइम, टाइम के साथ साथ विद टाइम आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड, वो डैम फूल वाला नहीं होता है, नहीं कि डैम फूल कहीं के, वो दूसरा कुछ होता होगा। विद टाइम आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डैम्पिंग, इस प्रोसेस को हम डैम्पिंग कहते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस में एक फोर्स लगता होगा, वो फोर्स किस बात पे डिपेंड करता है जरा ध्यान से बताइए। अगर हम प्रैक्टिकली आपसे पूछे कि ऑसिलेशन, नहीं ये तो मीडियम की करेक्टर है, उस जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा उसकी किस करेक्टर पे डिपेंड करता है? उसकी वेलोसिटी पे करता है। अगर ध्यान से देखें, जितनी तेजी से आप घुमाओगे कोई चीज उतनी तेजी हवा आपको रोकने का प्रयास करेगी, ठीक है। जैसे बाइक आप लोग चलाते होंगे, लड़कियां भी स्कूटी बहुत तेज चलाती हैं, कुछ ज्यादा तेज चलाती हैं, तो जितनी तेज आप चलाओगे वो खैर ऑसिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप हवा को चीरते हुए जा रहे हैं तो हवा उतनी तेजी से आपको रिवर्स रोकने का प्रयास करती है। यानी कि जो आपका डैम्पिंग फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे। मीडियम पे तो करते ही करता है, ठीक है।
तो आप लिखेंगे, नीचे लिखिए द डैम्पिंग फोर्स, द डैम्पिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द वेलासिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीडियम की बात नहीं कर रहा हूं, डैम्पिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द वेलासिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड गिवन बाई, देखो एंड गिवन बाई, जो फोर्स ऑफ डैम्पिंग लग रहा है ना इसमें, फोर्स ऑफ डैम्पिंग वो प्रोपोर्शनेट होता है वेलासिटी ऑफ द बॉडी पे। मतलब पहले हम बॉडी की बात करेंगे ना, जो जो ऑसिलेट कर रही है, इस फिर हम बात करेंगे मीडियम पे। तो अगर हम डैम्पिंग फोर्स को एफ मान लें और डी के लिए डी निकाल दें, तो इट इज प्रोपोर्शनेट टू वेलासिटी, और जब हम एफ डी इज इक्वल टू लिखाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है, उसको बी से लिखते हैं। आप एफ ही लिखिए, बार बार डी कन्फ्यूज करेगा, एफ लिखिए केवल, इज इक्वल टू एक बी कॉन्स्टेंट आता है, बी वी, बी इज ए कॉन्स्टेंट कॉल्ड डैम्पिंग कॉन्स्टेंट, बी इज ए कॉन्स्टेंट कॉल्ड डैम्पिंग कॉन्स्टेंट, इसको हम डैम्पिंग कॉन्स्टेंट कहते हैं। और ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो लिखेंगे इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम या करेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन द करेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम लाइक विस्कोसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द करेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम लाइक विस्कोसिटी। अब जरा समझिएगा, अगर डैम्पिंग नहीं होती तो क्या कोई फोर्स बॉडी पे लगता नहीं है? अगर डैम्पिंग नहीं होती उसमें तो क्या बॉडी पे फोर्स नहीं लगता है? अगर बॉडी ऑसिलेट कर रही है ऐसे हो या स्प्रिंग में हो इस प्रकार से, तो क्या कोई फोर्स उस पर लगता नहीं है? लगता है, उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। अगर डैम्पिंग हो रही है, मीडियम भी विस्कस मीडियम है, उसका फ्रिक्शन ज़्यादा है, कोई फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग को क्या किया, एक बॉडी को ऐसे नीचे लटका दिया और उसको खींचा और खींच करके आपने छोड़ दिया, तो इस प्रकार से ऑसिलेशन होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऑसिलेशन क्या होते हैं, कम होते जाते हैं, देखा है ना। लेकिन अगर उस बॉडी को आप एक लिक्विड के अंदर, एक ले लीजिएगा जो है कप ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, उस ग्लास के अंदर बॉडी को ऐसे डाल दीजिए और तब इसको हिलाइए, तो आप देखेंगे जो जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट हो रहा होगा वो जल्दी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो अगर ज़्यादा विस्कस है, ग्लिसरीन ले लीजिए उसमें, और जल्दी रुक जाएगा। यानी कि ये जो डैम्पिंग होती है वो किस पर डिपेंड करती है? विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम पे। तो जब बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है तो उस पर दो फोर्स लगते हैं, एक रीस्टोरिंग फोर्स जो पहले से लग रहा होता है बिकॉज ऑफ द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, और प्लस डैम्पिंग फोर्स। तो लिखिएगा इन दिस द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इन दिस मतलब डैम्पिंग के केस में, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाई, इसको एफ डी कर दो, डैम्पिंग में कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको एफ डी लिख दो क्योंकि एक फोर्स और लिखना है हमको, गिवन बाई टोटल फोर्स एफ है। कैसा है? एक तो माइनस के एक्स लगेगा, पहचानते हैं इसको आप, इसको आप पहचानते हैं, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, और दूसरा माइनस बी वी लगेगा, क्योंकि ये भी जो है, जो डैम्पिंग फोर्स होता है ये भी अपोज करता है, तो आप चाहे यहां पहले से माइनस लगा लीजिएगा। डैम्पिंग फोर्स, देखो हाँ निकाल लीजिए यहां से, यहां से फोर्स अपॉन वेलोसिटी करके निकाल लीजिएगा, यूनिट तो निकल आएगी। तो ये टोटल फोर्स यहां पर एक्ट कर रहा है। अब इसके अलग अलग फॉर्म है, यही आपका एक क्वेश्चन फाइनल हो गया, लेकिन इसके अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं। तो लिखिए इफ ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, इफ ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम टी, इफ ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम टी, देन देखो ध्यान से, आपको हम लिखवा वही रहे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जैसे आप बुक उठाएं तो आपको कंफ्यूजन ना हो, देखो ध्यान से। तो एफ को क्या लिख सकते हैं? एम ए, है ना, और यहां ब्रैकेट में लिखा है टी, तो ब्रैकेट में जो चीज लिखी होती है वो आपको केवल बताती है टी का फंक्शन, विद टाइम टी, टी के साथ साथ ये चेंज हो रहा है, ठीक है। जहां भी ब्रैकेट में टी लिखा हुआ है उस टी का कोई भी कैलकुलेशन में रोल नहीं है,
वो टी केवल ये बताता है कि विद टाइम द वैल्यू इज चेंजिंग, उसकी वैल्यू जो होती है वो टी के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस के एक्स टी माइनस बी वी टी, और दूसरा फॉर्म देखिए इसका, आपको याद होगा कैलकुलस आपने पढ़ी है, वेलोसिटी को आप लिखते हैं डीएक्स बाय डीटी, एक बार डिफरेंशिएशन, और एक्सेलरेशन को लिखते हैं डीवी बाय डीटी, और डीवी बाय डीटी का मतलब होता है डी बाय डीटी ऑफ डीएक्स बाय डीटी, और इसको कहा जाता है डबल डिफरेंशिएशन डी टू एक्स बाय डीटी स्क्वायर। जिन लोगों ने कैलकुलस नहीं पढ़ी है, हाँ कोई बोल रहा है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ माइनस होगा, ये बात समझ में आई, वेलोसिटी डीएक्स बाय डीटी होती है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी पढ़ा है ना आपने, मीन द चेंज इज वेरी स्मॉल, तो उसी को कैलकुलस की भाषा में डीएक्स बाय डीटी कहा जाता है, और ये होता है एक्सेलरेशन डीवी बाय डीटी या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलस पढ़ी आप लोगों ने, कैलकुलस पढ़ी है, डिफरेंशिएशन पढ़ा है आप लोगों ने, बायो वाले हैं इसमें कुछ लोग, जरा जरा मैं हल्का सा बता देता हूं, सुन लीजिएगा। देखिए आपने वेलोसिटी को पढ़ा होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है ना, जब चेंज बहुत स्मॉल होता है इंस्टेंटेनियस, तो इसी को कहा जाता है डीएक्स बाई डीटी। तो अगर कहीं पर डीएक्स बाई डीटी आपसे कहा जाए तो आप समझ लीजिएगा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। आपको याद होगा शुरुआत में हमने बताया था कि तत्काल अगर आपको वेलोसिटी चाहिए, तात्क्षणिक फौरन क्विक विदाउट वेस्टिंग टाइम, टाइम इज जीरो लगभग, तो उसमें लिखते हैं डीएक्स बाई डीटी। तो वी समझ में आ गया। अच्छा एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डीटी, मतलब डी बाई डीटी और वी की वैल्यू रख दिया डी टू डीएक्स बाई डीटी, तो इसको डबल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। इसको फिलहाल तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हम एम ए को क्या ले सकते हैं, ए को ले सकते हैं डी टू एक्स बाई डीटी स्क्वायर। अब यहां पर टी का फंक्शन नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी टी के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि वो टी का फंक्शन है, ठीक है। और इज इक्वल टू माइनस के, एक मिनट पहले के ना लिखिए, पहले वेलोसिटी लिखिए, एक्सेलरेशन लिखा तो पहले वेलोसिटी लिखिए, इज इक्वल टू माइनस बी और ये हो जाएगा डीएक्स बाय डीटी और माइनस के एक्स। यहां पर टी का फंक्शन नहीं लिखना है, कारण ये है क्योंकि ऑलरेडी आप टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये अंडरस्टूड है, ये टी का फंक्शन है। ये डायग्राम बना लिया है, डायग्राम बना लिया है। अब देखिए ये इक्वेशंस बन रहे हैं, इन्हें थोड़ा याद भी कर लीजिएगा क्योंकि हर इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं दिया गया है। तो इसको जब माइनस वाले को इधर शिफ्ट करके ले आओगे तो आ जाएगा आपका m डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसको पढ़ा जाता है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ध्यान रखिएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डीएक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको कहते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये डैम्ड ऑसिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो इंटर में पढ़ाई जाएगी इन डैम्ड ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन मतलब ये वाली इक्वेशन तो ग्रेजुएशन लेवल की है, ये वहां प्रूफ नहीं बताया जाएगा, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाएगा ट्वेल्थ क्लास में। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा और आपको भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन आपको डेरिवेशन नहीं बताया जा सकता, इंटर में भी नहीं बताया जाएगा, ये डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वन लिख दो, डिफरेंशियल ना लिखो। अब जरा समझिएगा इसमें किसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, देखिए आपके पास किसी टाइम टी पर
डिस्प्लेसमेंट था उसको टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट किया, डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट किया वेलोसिटी निकाली, डिस्प्लेसमेंट को फिर डिफ्रेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन निकला, तो आपको अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट यहां मिलेगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है एक्स इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, डायरेक्ट याद भी कर लीजिएगा, एक मिनट, ए ई टू पावर, हमको लगता है बुक में गलत लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं, ए ई टू पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। एक्चुअली मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे गलत लग रही है इसलिए मैं थोड़ा कंफर्म कर रहा हूं। हाँ ये गलत है, बुक में माइनस लगा लीजिएगा, माइनस, जरा समझिएगा हम बताना चाहते हैं ये क्वेश्चन है क्या। देखो जरा सावधान, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन है, ये याद रखना है आपको, लेकिन मैं समझा देता हूं। आपने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या आपने पढ़ी है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पढ़ा है ना, और वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी भी होती है कि नहीं होती है। देखो एक मिनट, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये वही क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज हुआ है, ये नोट कर लिया, हाँ थोड़ा सा अपने दिमाग को बैक गियर डालो और वहीं पहुंच जाओ जब सर्कल में किसी बॉडी को मैं मूव करा रहा था और वहां पर हमने उस पार्टिकल से उसके डायमीटर पर एक परपेंडिकुलर डाला था और जहां डिस्प्लेसमेंट निकाला था, याद करिए उस वाले डायग्राम को, ये एक सर्कल था और हम पार्टिकल को ले गए थे ऐसे, यहां से मूव कराना शुरू किया था और फिर यहां पार्टिकल को पहुंचाया था, ये यहां पर, और ये एम्पलीट्यूड था पूरा और ये हमने डिस्प्लेसमेंट कहा था वाई, और ये थीटा था, ये भी थीटा था, तो वहां वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ओमेगा टी पढ़ा था आपने, क्विक रिस्पॉन्ड करिएगा, हाँ यस बोल दो कर तो ठीक है। अच्छा फिर हमने कहा था अगर इसको घुमाते रहोगे तो ये जो आपका ये फुट आप परपेंडिकुलर है ये ओ के इधर उधर मूव करता रहेगा और दिस वाज द मोशन दैट वाज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, सही बात है। अब जरा समझिएगा, ये भी तो हो सकता था कि मैं यहां से परपेंडिकुलर इधर डालता और ये डिस्प्लेसमेंट ले लेता, कोई दिक्कत थी? तो जिस प्रकार से ये जो फुट है वो ओ के इधर उधर मूव करेगा, वैसे ही जब पार्टिकल घूमेगा तो ये एन भी ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकता, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट x है तो cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a, तो x इज इक्वल टू a cos थीटा, यानी x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t आएगा नहीं आएगा, तो एक्चुअली में ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, सॉरी ये भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, तो ये वही वाली डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, लेकिन डैम्पिंग में चेंज क्या हो गया, देखिए ध्यान से, देखिए मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो इक्वेशन हम डैम्पिंग में लिख रहे हैं एक्चुअल में अगर डैम्पिंग ना होती, ये वही वाली इक्वेशन है जो हम पढ़ चुके हैं, जरा सावधान देखो, अगर डैम्पिंग ना होती तो बी जीरो हो जाता, डैम्पिंग कांस्टेंट, जरा बी को जीरो करिए यहां पर, अगर बी को जीरो करेंगे तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ए कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव है। अब आप कहेंगे आपने ओमेगा डैश क्यों लिखा है, मजबूरी में लिखा है, किताब में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, देखिए ओमेगा टी आपने पढ़ा है लेकिन डैम्पिंग के केस में फ्रीक्वेंसी एक जैसी है कि चेंज हो रही है, ओमेगा का मतलब फ्रीक्वेंसी होती ना, मतलब 2 पाई अंडर रूट एम बाई के पढ़ा है आपने, एन एफ पढ़ा है ना, तो ओमेगा भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इसको ओमेगा इज इक्वल टू रूट एम बाई के, चूंकि यहां पर हो रहा है कि डैम्पिंग के केस में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है इसलिए हमने ओमेगा की जगह ओमेगा डैश यूज किया, तो ये हो गया डैम्ड ऑसिलेशन, जरा समझिएगा। अच्छा अब जरा डिस्प्लेसमेंट को देखिए, अगर टाइम बढ़ाओगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे ई की पावर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और ई की पावर है नेगेटिव तो ये अपान में चला जाएगा, तो जब अपान की वैल्यू बढ़ती है तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी,
तो यही तो मैं बता रहा हूँ बार बार कि भाई जब डैम्पिंग हो रही है तो एम्पलीट्यूड घट रहा है, तो एक्चुअली में पूरी चीज क्या है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये क्या चीज है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है। समझ में आई बात? तो आप लिखेंगे हियर ए ई टू पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम को आप स्मॉल ए मान लीजिए और लिखिएगा एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक एक स्टेप समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है क्योंकि हम शॉर्ट में नहीं बताना चाहते कि छोड़ दीजिए आगे बस थ्योरी लिख दीजिएगा, हम जानबूझ के बता रहे हैं हर चीज जिससे कि आप उसको अगर बुक में पढ़े तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, क्योंकि कंपटीशन में इन्हीं दो दो छोटी छोटी बातों पर जो है एग्जामिनर फंसाता है। ये एम्पलीट्यूड हो गया। मतलब पूरा डैम्प्ड ऑसिलेशन का पूरा फैमिली बताया जा रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब लिखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखिए अभी लिखिएगा नहीं, जब डैम्पिंग नहीं होती है तो फ्रीक्वेंसी अंडर रूट के अपान एम होती है। मैं स्प्रिंग का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जब डैम्पिंग नहीं होती है तो अंडर रूट के अपान एम फ्रीक्वेंसी, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मैं 2n पाई की बात कर रहा हूँ। जब आप एफ जब ओमेगा को 2n पाई कर देते हो तो फिर 2 पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये तो जब डैम्पिंग नहीं होती है तो ये आपका अंडर रूट के अपान एम होती है, 2 पाई रूट के बाई एम पढ़ा है ना आपने, सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, एम बाई के पढ़ा है आपने, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा लिख रहा हूँ, तभी आप लोग चुपचाप बैठे हो। टाइम पीरियड आपने पढ़ा है 2 पाई रूट एम बाई के, है ना, क्यों अर्णव साहब बोल नहीं रहे हम क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड पढ़ा है ना 2 पाई रूट एम बाई के, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड 1 बाई 2 पाई अंडर रूट के बाई एम हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ होता है, अब लिखिएगा नहीं तो 2 पाई जब रखोगे 2 पाई और एफ की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई रूट रूट के बाई एम, तो ये ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम हो गया, यही होगा ना। तो जब अनडैम्प्ड होता है, जब डैम्पिंग नहीं होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है अंडर रूट के बाई एम होती है। अब तो बात समझ में आई नहीं आई, जब डैम्पिंग नहीं होती है तो उसमें फ्रीक्वेंसी रूट के बाई एम होती है। अरे अभी मैं पूरा डिराइव कर चुका हूं तब भी आप नहीं बोल रहे। अब डैम्पिंग हो रही तो मतलब क्या हुआ, यहां कुछ कम हो जाएगी वैल्यू, तो यहां माइनस होता है बी स्क्वायर अपान फोर एम स्क्वायर, ये याद कर लीजिएगा बी स्क्वायर अपान फोर एम स्क्वायर, तो ये इसको ओमेगा डैश मान लो, तो लिखिएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये फॉर्मूला होता है। मैं दिखाना चाहता हूं कि जब डैम्पिंग ना होती है वही चीज है जो आप पढ़ चुके हैं, अगर आप डैम्पिंग कांस्टेंट को जीरो कर दो तो ये वही वैल्यू मिल जाएगी जो अनडैम्प्ड केस में आपको वैल्यू मिलती थी। तो ये डैम्पिंग के केस में आपका फ्रीक्वेंसी है, समझ में आ रहा जो ये ड्रामा हम बता रहे हैं, इसको तो याद करना पड़ेगा आपको, ये ग्रेजुएशन लेवल में ही आपको इसको डेरिवेशन सिखाया जाएगा, यहां आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहां डायरेक्ट करेंगे आप, क्योंकि इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना इंटर में भी नहीं बताया गया है। अब लिखिए टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, टाइम पीरियड 2 पाई अपान ओमेगा डैश होगा, क्योंकि ओमेगा ये वाला लिखेंगे ना डैम्प वाला, भाई आपको अगर न याद हो तो ओमेगा बराबर 2n पाई पढ़ाया गया आपको, तो n को अब 1 अपॉन t लिखते हैं ना, तो t की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी 2 पाई बाई ओमेगा निकलेगी, नहीं निकलेगी, तो वही मैं टाइम पीरियड लिख रहा हूं। तो यहां जब ओमेगा डैश की वैल्यू रखोगे तो आएगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट के अपॉन m माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 एम स्क्वायर, तो ये हो गया आपका डैम्पिंग के केस में टाइम पीरियड।
अब जरा देखिए, फ्रीक्वेंसी तो घट रही थी, आप जब देखो जब डैम्पिंग बढ़ेगी, डैम कांस्टेंट बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? अगर डैम्पिंग ज्यादा हो रही है तो डिनोमिनेटर घटेगा, और जब डिनोमिनेटर घटता है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ती या घटती है? डिनोमिनेटर घटता है तो ओवरऑल वैल्यू घटती है बढ़ती है? अच्छा, पापा ने कहा जो है मिठाई का 1/2 टुकड़ा ले लो आप, और आपसे कहा 1/3 ले लो, कौन सा टुकड़ा आप लेना पसंद करेंगे, 1/2 या 1/3? क्यों क्यों, मतलब मिठाई के केस में 1/2, क्यों यहां 1/3 लेने में क्या दिक्कत है? 1/3 लेने मतलब आपको उस टुकड़े के 3 टुकड़े करने पड़ेंगे ना, तो ये वैल्यू बढ़ गई घट गई? घट गई ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए। तो जब डिनोमिनेटर घट गया, चूंकि माइनस की भाई आप कह रहे हो डैम्पिंग ज्यादा है, डैम्पिंग ज्यादा है मतलब ये वाली चीज ज्यादा है, ये वाली चीज ज्यादा है माइनस की चीज ज्यादा है, और किसी भी चीज में ज्यादा नंबर माइनस करोगे तो ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी। तो डिनोमिनेटर घट गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया, यही तो डैम्पिंग में हो रहा है कि धीरे धीरे ऑसिलेशन हो रहा है, तो यानी कि जो ऑसिलेशन 1 सेकंड में होता था वो 2 सेकंड ले रहा है, यानी टाइम पीरियड बढ़ जाता है, ठीक है डैम्पिंग के केस में। अब लिखे एनर्जी इन डैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब सब कुछ है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फोर्स क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये ओमेगा क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। लिखे एनर्जी इन डैम्प्ड ऑसिलेशन, जरा समझिएगा, जनरली जब डैम्पिंग नहीं हो रही थी उस समय ऑसिलेशन के केस में एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? अब बताइए एनर्जी जब अनडैम्प्ड केस था एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? अनडैम्प्ड के केस में एनर्जी जो थी ऑसिलेशन के केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या थी? हाफ के एक्स स्क्वायर थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग में देखिएगा हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, ठीक है। तो डैम्पिंग में क्या होगी कि जो आपका ये वाला पोर्शन है ना ये इसको कम करेगा, मतलब जो डैम्पिंग कॉन्स्टेंट वाला पोर्शन है ई वाला पोर्शन। तो लिखिए एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर ई टू पावर माइनस बी टी अपान एम। ये एनर्जी का फार्मूला होता है, और E के ब्रैकेट में T लिख दो, यानी इट इज द फंक्शन ऑफ T, एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ T। ये M होगा, ऐसा थोड़ी हर जगह वही चीज रहेगी, एम होगा। अब जरा देखिए हाफ के ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर ही है। जरा देखिए ये ई की पावर निगेटिव है ना, ये अपान में जाएगी, और जब टाइम बढ़ेगा तो टाइम के साथ साथ ई की पावर बढ़ेगी, और ई की पावर निगेटिव बढ़ने का मतलब क्या होता है, ओवरऑल वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। तो डैम्पिंग के केस में इस प्रकार से ये एनर्जी कम होती है, ठीक है। अब ये हो गया डैम्पिंग का पूरा खानदानी डिस्क्रिप्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डैम्पिंग ये आपको डैम्प करेगी, मतलब रोकने का प्रयास करेगी, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब जरा समझिएगा, डैम्पिंग समझ में आ गई? अच्छा, एक होता है आपका फ्री ऑसिलेशन, लिखिए फ्री ऑसिलेशंस। फ्री ऑसिलेशन का मतलब यह होता है कि हमने किसी बॉडी को ऑसिलेट किया और ऑसिलेशन शुरू हो गया है, तो वो ऑसिलेशन लगातार एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से लगातार वो ऑसिलेशन होता रहे, उसको कहते हैं फ्री ऑसिलेशन, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता इसलिए नहीं है क्योंकि मीडियम है, अगर मीडियम ना हो, मीडियम की विस्कोसिटी ना हो, फ्रिक्शन ना हो, तो फ्री ऑसिलेशन पॉसिबल है कि नहीं है? भाई आप जानते हैं एरिस्टोटल फैलसी आपको पढ़ाई गई है ना, अब सोच रहे होंगे पूछ न लें कहीं, एरिस्टोटल फैलसी पढ़ाई गई है? नहीं, मैं पूछूंगा ना, यस नो बोल दीजिए, आप नो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई थी नहीं, इट शुड बी इन योर माइंड।
एरिस्टोटल का नाम सुना है, वो एक फिलासफर हुआ करते थे, उनकी एक उनका एक स्टेटमेंट था जिसको उनसे 2000 साल बाद गैलीलियो साहब ने गलत किया था, उसको कहते हैं एरिस्टोटल फेलसी। और एक टीचर हैं वो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो कॉलेज में पढ़ाए, फेलसी उनका सरनेम था। हम पीछे पढ़े कि फेलसी वो नहीं है, तो बोले नहीं, जैसे एपी वाजपेयी होता वैसे एरिस्टोटल फेलसी होता है। अब क्या बताया जाए, क्या थी एरिस्टोटल की फेलसी? एरिस्टोटल कहते थे किसी बॉडी को चलाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, बिना फोर्स लगाए बॉडी नहीं चलेगी, ये एरिस्टोटल का कहना था। क्योंकि वो फिलासफर थे, उसमें साइंस का इतना डेवलपमेंट नहीं था, इसलिए उनकी बात को उस समय लोगों ने मान लिया। लेकिन जब ये गैलीलियो साहब आए, उन्होंने कहा किसी बॉडी को चलाने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, बॉडी चलती भी बॉडी को रोक रहा है कोई, उसकी वजह से फोर्स लगाना पड़ता है। अगर वो फोर्स एब्सेंट हो जाए तो देयर इज नो नीड टू अप्लाई द फोर्स, इफ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, ये गैलीलियो ने कहा था। बाद में न्यूटन ने चुरा लिया अपना, उनका स्टेटमेंट देकर के अपना नियम बना दिया, ये एरिस्टोटल फेलसी था। तो यानी कि डैम्पिंग यहाँ क्यों हो रही है? डैम्पिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द मीडियम, बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। इफ मीडियम इज एब्सेंट या उसका फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट है, तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी को जिस फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर दिया गया वो लगातार ऑसिलेट रहती बनी रहेगी? कह सकते नहीं कह सकते हम? हाँ कह सकते, चलिए आपकी तरफ से हमने बोल लिया। लिखिए फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन आर नेचुरल ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन को नेचुरल ऑसिलेशन कहते हैं। लिखिए इसका स्टेटमेंट, When an oscillating body, oscillating मतलब जो oscillate कर रही हो उस body के बारे में हम बात कर रहे हैं। When an oscillating body is displaced from its mean position, is displaced from its mean position and it begins to vibrate with a definite velocity and definite frequency, then this type of oscillation are called free oscillations. This type, definite velocity and definite frequency, then this type of oscillation is known as free oscillations. This type of oscillations is known as free oscillations, and this frequency is called natural frequency of the body. This frequency is called natural frequency of the body. देखिए हर बॉडी की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, ध्यान रखिएगा, अभी आगे हम बात करेंगे। हर बॉडी की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, चाहे वो डेड हो चाहे लाइव हो, चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल हैं, पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपनी फ्रीक्वेंसी है। अब लिखिए फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, इसी को डेफिनेशन करना है। फोर्स्ड ऑसिलेशन, देखिए जरा फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है, इसमें भी कुछ इक्वेशंस आएंगी, जरा थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखो ध्यान से, एक बॉडी अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन कर रही थी, उसकी मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी 10 थी, वो 10 फ्रीक्वेंसी से लगातार ऑसिलेट कर रही थी, हम बीच में गए और हमने उसकी फ्रीक्वेंसी 20 कर दी, तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हो जाएगी? शुरुआत में नहीं होगी, शुरुआत में नहीं होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी फ्रीक्वेंसी 20 होनी पड़ेगी। कारण यह है कि वो फ्री ऑसिलेशन कर रहा है, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है जो 10 को मेंटेन रखे,
लेकिन हम यहां पर जो ऑसिलेशन दे रहे हैं उसमें फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, हम अपने ऑसिलेशन से उसको ऑसिलेट करा रहे हैं, तो ये ऑसिलेशन क्या कहलाता है? फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है। जैसे मान लिया किसी का छोटा बच्चा है, अब वो आप भी छोटे थे, आपको याद नहीं होगा फिलहाल, लेकिन फिलहाल कोई छोटा भाई हो, तो अब वो रो रहा है, तो मम्मी ने क्या किया, उसको पालने में लिटा दिया। अब चूंकि आजकल पालने का सिस्टम नहीं होता है, लेकिन मान लिया लिटा दिया, अभी तो मोबाइल पकड़ा दो तो छोटा वाला भी अपना शुरू हो जाता है, वो तो वो अलग बात है। तो वो क्या करते हैं, वो झूले को झुलाते हैं, अब झुला के छोड़ दिया तो क्या होगा, वो रुक जाएगा। तो एक कोई सिस्टम बना दिया गया कि अपना हाथ पकड़ लिया, लगातार उसको घुमाते रहिए। तो आप लगातार उस झूले पे फोर्स लगा रहे हो, उसको ऑसिलेट करा रहे हो अपने फोर्स के अकॉर्डिंग। तो ये कौन सा ऑसिलेशन होगा, अगर इसकी नाम लें तो इसको कौन सा ऑसिलेशन कहेंगे? यानी कि सिंपल सी बात है, कोई भी ऑसिलेशन को अगर हम फोर्स लगा करके फोर्स की फ्रिक्वेंसी से करें, हम 20 चाहते थे, हाँ शुरुआत में वो अपोज कर रहा था, 10 था, हमने 20 किया और 10 से 12 हुआ, 15 हुआ, होके 20 हो गया। अब लगातार 20 ऑसिलेशन करेगा, लेकिन 20 क्यों कर रहा, बिकॉज मैं करा रहा हूँ ना, मैं उसको यहाँ से वहाँ ले जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ। जब सुनिएगा फिर समझिएगा, हमने एक तरफ से फोर्स लगा के नहीं छोड़ा है, हम उस झूले को पकड़ के एक दो तीन चार 20 हम करा रहे हैं, तो उसे 20 करना पड़ेगा, इसको फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। लिखिएगा, व्हेन अ बॉडी बीइंग एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन अ बॉडी बीइंग एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स, वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स, वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स देन द वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। The vibrations with the frequency of the force, then the vibrations of the body are called forced vibration. और ये frequency कौन सी होगी? ये force की frequency होगी जो हम apply कर रहे हैं, ठीक है? And this frequency is called forced frequency. और ये actually natural frequency से different होगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि natural frequency उसकी 10 थी, ये different होगी। अब देखिए, ये जो आपके फोर्स ऑसिलेशन है जिसमें फोर्स लगा रहे हो, इसका इक्वेशन क्या होता है? तो परक ये डेफिनेशन समझ में आई पहली बात, फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है? आप जाकर के उस झूले को झुला रहे हैं, पकड़ लिया और आप अपने हिसाब से उसको झुला रहे हो, वो जो भी झूले की नेचुरल फ्रिक्वेंसी थी वो चेंज हो गई है, वो आपके फोर्स के हिसाब से चल रही है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, जब आप मीन पोजिशन से ले जा रहे थे यहां तक, ये आपका मैक्सिमम फोर्स है, लेकिन अब यहां पे ला रहे हो, फिर फोर्स चेंज हो रहा है ना, तो एम्पलीट्यूड अलग चीज है और जो इंस्टेंटेनियस फोर्स अलग है। तो नीचे लिखिए जरा, द फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एफ इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। अब देखिए, चूंकि ये ड्राइविंग फोर्स कहलाता है, जो ड्राइव करता है, वो जबरदस्ती ले जा रहा है, तो यहां पर डी यूज कर दिया गया है, ये डी जो यहां पर वो ड्राइविंग वर्ड के लिए है, और ये मैक्सिमम जो है वैल्यू ऑफ फोर्स है, और ये फोर्स टी का फंक्शन है, तो एफ टी इज इक्वल टू एफ जीरो कॉज ओमेगा के साथ में एक सफिक्स में डी लगा दो, डी जहां भी लगा होगा, इसका मतलब ये वो उस फोर्स से अफेक्टेड है। कौन सा फोर्स? वो फोर्स जो आपने लगाया है, उसको ड्राइविंग फोर्स कहते हैं, वो ड्राइव कर रहा है उसको, वो ड्राइवर है उसका, ठीक है। तो लिखिए, वेयर एफ नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स, एफ नॉट क्या यहां पर है? एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स। ये एम्पलीट्यूड बात समझ में आई? झूले को आपको बहुत दूर तक ले जाना है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, और जब आप ले जा रहे हो, फोर्स कम है, ज्यादा 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 अधिकतम हुआ, वो आपका ये एफ नॉट है। एंड ओमेगा डी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स,
यानी फोर्स्ड ऑसिलेशन या ड्राइवन ऑसिलेशन, वो दोनों वही बात है। नीचे लिखिए, द डैम्पिंग फोर्स इक्वेशन कैन बी गिवन एज, फिर डैम्पिंग में हम आ गए, द डैम्पिंग फोर्स इक्वेशन कैन बी गिवन एज, जरा सावधान देखो, जरा पीछे फिर पलटिए आप, डैम्पिंग फोर्स पहुंच जाइए, वहां पर एम ए था ना, फंक्शन ऑफ टी था, थोड़ा समझ लीजिएगा हमको, समझ में आ जाएगा। अच्छा, जब आप इस ऑसिलेशन को अपने आप, जब ऑसिलेशन हो रहा था, जब जा रहा था, तो एक तो उसमें माइनस के एक्स लग रहा था, इसको कौन सा फोर्स करते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि वापस लाने का प्रयास कर रहा था, और एक आपका माइनस बीवी लग रहा था, ये कौन सा फोर्स है, ये हर जगह आप ब्रैकेट में टी लगा दो, फंक्शन ऑफ टी, माइनस बीवी लग रहा था, ये कौन सा फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स है, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, लेकिन आप जो अप्लाई कर रहे हो ये वाला, ये कौन सा, ये रोक रहा है ले जा रहा है दूर, ये रोक रहा है सपोर्ट कर रहा है उसका, जो बॉडी जा रही थी तो ये भाई साहब रोक रहे हैं, ये भाई साहब रोक रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं कि रोक रहे हैं, अरे फोर्स्ड ऑसिलेशन झूले को झुला रहा है, वो उसको दूर ले जा रहा है, सपोर्ट कर रहा है या रोक रहा है उसको, तो यहां माइनस करें या प्लस करें, यहां पर प्लस किया जाएगा एफ नॉट कॉज ओमेगा डी टी, बात समझ में आई, छोटी छोटी बातें हैं, बुक में सबको लिखा हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फिजिक्स में सब कुछ चीज है, क्यों हो रहा है ऐसा, समझ में आई बात। और इसका जब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे तो m, इसको क्या लिखा जाएगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, जब मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैं टाइम के हिसाब से ही काम कर रहा हूं, तब आपको ये ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ t नहीं लिखना है, ये जो ब्रैकेट में t लिखा है समझ में आ गया, ये ओमेगा t तो इसके साथ में है, ये जो ब्रैकेट में t लिखा है समझ में आ गई बात, यानी इन टाइम t, टाइम का फंक्शन है, इसका कोई कैलकुलेशन में रोल नहीं है, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी माइनस के एक्स प्लस एफ नॉट कॉज ओमेगा डी टी, इसको इधर ले आओ सब डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो आएगा एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट कॉज ओमेगा डी टी। यानी ये वो फोर्स इक्वेशन है जो कि इस फोर्स्ड ऑसिलेशन कर रहा है, ये वाला फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। अब लिखिए द डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, द डिस्प्लेसमेंट, एक सेकेंड सुनिए ध्यान से, बॉडी, ये समझ में आ रही बात जो हम बता रहे हैं, थोड़ा फील करिएगा, टेक्निकल चीज हम पहले कर रहे हैं टेक्निकल चीज, कारण यह है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस आप नहीं पढ़ते हैं, इन्हें समझना पड़ेगा आपको, मैं इसलिए शुरुआत बता दिया, बॉडी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही थी, 10-10 फ्रिक्वेंसी थी उसकी, अलग अलग टाइम पे उसका अलग अलग डिस्प्लेसमेंट था, फिर वापस लौट के आ रही थी, फिर हमने उस पर अपना फोर्स लगाया, हमारे फोर्स की अपनी फ्रिक्वेंसी थी 20 थी ऐसे, तो धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी की 10 फ्रिक्वेंसी चेंज हो करके हमारी फ्रिक्वेंसी पे आ गई, तो जब फोर्स्ड ऑसिलेशन से बॉडी ऑसिलेट करने लगी उस समय की इक्वेशन है, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, तो जो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, जो भी वैल्यू अब देने जा रहा हूं, ये वो वैल्यू है कि बॉडी हमारे फोर्स के हिसाब से ऑसिलेट कर रही है, उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी अपनी खत्म हो चुकी है, समझ में आई बात।
तो जैसे वर्ड यूज किया गया तो फ्रीक्वेंसी, व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी डाइज, तो डाइज मत लिखिए, मतलब जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी खत्म हो गई है, बॉडी हमारे फ्रीक्वेंसी चलने लगी है, उस समय डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखिए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज गिवन बाई, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है और ओमेगा कौन सा, ड्राइविन वाला, और एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव, ये डायरेक्ट याद करने हैं क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, यहां भी नहीं कर सकते, इंटर में भी नहीं सॉल्व कर सकते। अच्छा, ये जो ए एम्पलीट्यूड है, हियर ए इज एम्पलीट्यूड, हियर ए इज एम्पलीट्यूड, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट दी गई है एंड गिवन बाय, गिवन बाय, कुछ चीजें भाई याद करनी पड़ेंगी क्योंकि मैं उसका फिनोमिना तो समझा सकता हूं कि इसमें क्या हो रहा है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको ये वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। देखिए एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसे आप याद कर लें, ए इज इक्वल टू एफ नॉट, जो कि एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स था, अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर होल टू पावर हाफ, ये आपका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का फार्मूला होता है, याद कर लीजिए इसको, याद मतलब याद कर लीजिएगा, ओमेगा उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी और ओमेगा डी हमने फ्रीक्वेंसी दी है, अपना ड्राइविंग फोर्स ने फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है, बी आप जानते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट है, ओमेगा डी ड्राइविंग फोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी दी है और ओमेगा उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी है। अब यहां इस एम्पलीट्यूड में दो स्पेशल केसेस हैं, उन्हें ध्यान से पढ़े, लिखे स्पेशल केसेस, देखो इसको जो पूरे डिटेल बता रहे हैं ये शॉर्ट में भी आप पढ़ सकते हैं, व्हाट इज फोर्स ऑसिलेशन, काम खत्म, ये क्वेश्चन नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि किसी कंपटीशन में आप तैयारी अगर करते हैं तो कम से कम वो वहां पर आपको थोड़ा ये हेल्प कर दे 20-25% कि हाँ आपको वहां बताया गया था। देखो जरा समझिएगा, आप किसी बॉडी, ये लिख लिया है ना, कोई बॉडी ऑसिलेशन कर रही है अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, हो सकता है ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग मतलब जो आप फोर्स लगा रहे हैं, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, आपने हल्का हल्का फोर्स लगाया, हल्का हल्का फोर्स क्या करती है, डैम्पिंग कम करती है, ज्यादा फोर्स लगा दिया ज्यादा डैम्पिंग हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम कहेंगे कि डैम्पिंग अगर बहुत स्मॉल है तब क्या होगा और डैम्पिंग बहुत ज्यादा है तब क्या होगा, तो स्पेशल केस नंबर वन लिखिए, इफ डैम्पिंग इज स्मॉल, इफ डैम्पिंग इज स्मॉल, डैम्पिंग इज स्मॉल का मतलब डैम्पिंग कौन कर रहा है इसमें, ये छोटा हो जाएगा ना, डैम्पिंग स्मॉल का मतलब दो चीजें हैं, एक तो आपने जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई की वो कम है, ठीक है, और डैम्पिंग का मतलब यहां डैम्पिंग कौन कंट्रोल कर रहा है, डैम्पिंग कांस्टेंट, तो डैम्पिंग स्मॉल का मतलब होता है कि ये वाला टर्म कांस्टेंट जो है ये बी, ये बहुत छोटा है, ठीक है, और यानी ये टर्म क्या किया जाएगा, फिजिक्स क्या करती है जब बहुत छोटी वैल्यू होती है तो क्या करती है, वो उसको नेग्लेक्ट कर देती है, देन ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर होल टू पावर हाफ, और जब हाफ पावर खोलोगे तो आएगा एफ नॉट अपॉन एम स्क्वायर, सॉरी एम बाहर आएगा, रूट लग जाएगा ना, तो आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर। तो डैम्पिंग स्मॉल के केस में ये एम्पलीट्यूड होता है, इन वैल्यूज को प्लीज याद कर लीजिएगा क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड तो हैं, टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा मेमोराइज भी कर लीजिएगा, मैं कुछ समझा रहा हूँ कि वहाँ एक्शन क्या हो रहा है,
मैथमेटिकली आपको याद करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। हाँ ये सही है, इसके लिए अगर डायमेंशन लिख दो सबकी तो डायमेंशन आपको प्रूफ करके आ जाएगी, इसकी डायमेंशन एल होगी जो एम्पलीट्यूड है, ये हम कर सकते हो, डायमेंशनली इसको आप देख सकते हो। दूसरा केस लिखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और ये केस बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। देखो आपने जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी दी है फोर्स ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, ड्राइवन वर्ड समझ में आ रहे ना, आप जो फोर्स लगा रहे हो आप ड्राइवर बने हो उसकी जबरदस्ती, उसको जहां चाहो तो मोड़ देते हो स्टीयरिंग, तो ये ड्राइवन फोर्स है। अगर ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तब क्या होगा। सेकेंड केस लिखिए, इफ ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्लोज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्लोज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी यहां क्या चीज हो रही है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है बॉडी की, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी यानी जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आप बार बार वर्ड यूज कर रहे हो वो फोर्स फ्रीक्वेंसी है। तो किसको नेग्लेक्ट करोगे भाई, ये दोनों इक्वल, लगभग इक्वल हो जाएंगे ना, तो डिफरेंस लगभग जीरो हो जाएगा, तो ए इज इक्वल, देन ए इज इक्वल टू आएगा एम्पलीट्यूड, क्या आएगा एफ नॉट अपान ओमेगा डी बी, ओमेगा डी बी, हाँ ओमेगा डी को फिर ओमेगा लिख सकते हैं आप। दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन, दिस इज रेजोनेंस कंडीशन, दिस इज रेजोनेंस कंडीशन, इसको रेजोनेंस कहते हैं। देखिए रेजोनेंस जरा समझिएगा, पहले तो रेजोनेंस क्या होता है, अगर किसी बॉडी में जरा अच्छा लिखिए फिर हम बात करते हैं, लिखिए रेजोनेंस, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, ब्रैकेट में कर दीजिएगा और इट्स इंटीग्रल मल्टीपल, उसका मल्टीपल भी हो सकता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो या उसका मल्टीपल हो और इट्स इंटीग्रल मल्टीपल, ब्रैकेट में लिखिएगा, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स्ड वाइब्रेशन ऑफ बॉडी बिकम्स लार्ज, अभी मैं समझा रहा हूं, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स्ड ऑसिलेशन या वाइब्रेशंस ऑफ ए बॉडी बिकम्स लार्ज, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है, इसे आप समझें पहले आप, यानी हर बॉडी की समझ में आ गया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, अब हमें केवल अब देखिए और समझिएगा, मैथमेटिकल काम खत्म, अब थ्योरी शुरू हो रही है, देखिए ध्यान से, हर बॉडी की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, अगर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो उस बॉडी का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, यही दिखाया ना हमने, अब इसको प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल है इसका रेजोनेंस का, कि जो सेना होती है आर्मी पासिंग ओवर अ ब्रिज, अगर आर्मी किसी ब्रिज के ऊपर से पास करती है तो कदम ताल मिला के नहीं चलती, जरा समझिएगा, मैं पुलिस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ, तो वही पुलिस वाले भी महाराष्ट्र वगैरह के बहुत एक्टिव रहते हैं, जरा समझिएगा, आर्मी जब कहीं जा रही होती है अगर कोई बीच में नदी पड़ गई तो क्या करती है, नदी को कैसे पार करती है, उनके पास कुछ ड्रम टाइप के होते हैं उससे पुल बना लेते हैं वो, ठीक है, अब देखिए वो ड्रम क्या करते हैं, वो ऐसे ड्रम टाइप का होता है वो डाल देते हैं नदी के ऊपर, एक आर्टिफिशियल पुल बन गया उसके ऊपर, वो जो है उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगता है उसके अकॉर्डिंग वो पार कर जाते हैं। अब देखिए उस पुल की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मैं मान लेता हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 यानी एक टाइम पीरियड में वो ऑसिलेट कर रहा है पुल, उसकी अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी है,
अब आरबी चल रही है वो भी आपका एक दो तीन, एक दो एक, एक दो एक चल रही है, 100 लोग 200 लोग 300 लोग उसमें है। अब अगर उनकी फ्रीक्वेंसी भी, अगर मैं मान लूं कि पुल की फ्रीक्वेंसी 10 है और आर्मी की फ्रीक्वेंसी भी 10 हो, जरा समझिएगा, पुल ने कहा 1, आर्मी ने कहा 1, क्या हो गया? पुल दब गया ज्यादा, तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अब पुल नीचे ज्यादा दब गया भाई, तो वहां पर पुल ब्रेक होने की चांसेस हैं। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो इसलिए इसलिए आर्मी को जब वहां से पार करना होता है तो कदम ताल मिला के नहीं चलते। तो एक एग्जाम क्वेश्चन आता है कि आर्मी पासिंग ओवर ब्रिज, तो लिख लेंगे अपने आप, थोड़ी थ्योरी किताब से लिख देखो, समझ में आ गई बात। उसी प्रकार से हमारी मोबाइल, हमारे मोबाइल का जो हमारा नंबर होता है वो हमारा जो सिम पड़ा होता है ना उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, हमारे सिम की फ्रिक्वेंसी को नंबर बताता है वो। अब हमारे सिम की फ्रिक्वेंसी है और बाहर से एक एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी आ रही है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की वेव्स आ रही हैं। जब हमारे मोबाइल की फ्रिक्वेंसी की वेव कोई आई, वहाँ से भेजी गई हमारे नंबर पे, आपने कॉल किया, तो हमारे मोबाइल में जो ऑसिलेशन हो रहे थे उनकी फ्रिक्वेंसी थी, बाहर की फ्रिक्वेंसी से मैच कर गए तो इनका ऑसिलेशन बढ़ गया। तो जैसे बढ़ा ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ने से एनर्जी बढ़ गई। आप जानते हैं वेव में आप एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो वाली वेव हमारे मोबाइल ने कैच कर लिया और हमारे मोबाइल की रिंग बजना शुरू हो गई। किसी दूसरे की फ्रिक्वेंसी की हो गई तो उसके मोबाइल में रिंग बजना शुरू हो गई। तो यही रेजोनेंस हमारे मोबाइल में काम करता है। समझ में आया? अच्छा, दूसरी बात, आप अगर कोई ग्लास ले लें खाली और कान पे ऐसे लगा दें और तो आपको उसमें गुनगुन की आवाज़ सुनाई पड़ेगी थोड़ी सी। क्यों? आपकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी कान की अपनी खुद की है और उस ग्लास के अंदर जो एयर भरी है उसकी अपनी खुद की फ्रिक्वेंसी होती है। जब दोनों फ्रिक्वेंसी अगर मैच कर जाती हैं तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है, तो साउंड ज़्यादा आपको कान को सुनाई पड़ती है। ये भी आपका एक रेजोनेंस का कंडीशन होती है। ठीक है, एक बढ़िया सा एग्जांपल रेजोनेंस का आप खुद जानते हैं। आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ एक गाना बज रहा होता है, काला कौवा काट खाएगा, या डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दे। अब आप तो जब पहुँचे हो आप तो वाह क्या बात, बड़ा अच्छा लगे, और हम जैसे लोग जब जाते हैं तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। समझ नहीं आता है, क्यों नहीं आता भाई, क्या गाना अच्छा नहीं लगता है? हमारी अपनी फ्रिक्वेंसी है, आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी है। वो जो काला कौवा काट खाएगा की फ्रिक्वेंसी है वो आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच कर रही है, तो आपके अंदर का जो वाइब्रेशंस है वो बढ़ रहा है, ऑसिलेशन बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है और आप बड़े एक्टिव हो रहे हो, जाकर के डीजे पे वहां पर डांस करने लगते हैं। होता ही नहीं होता ऐसा? अब अगर मुकेश साहब का कोई गाना आ रहा है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मैं कैसे मुकेश को अच्छा गा लेता हूं, आपको मैं बता दूं, मैं ठीक ठाक गाता हूं, मैं गाऊंगा नहीं अलग की बात है, मैं गाता ठीक हूँ, लेकिन मुझे अब पुराना गीत आ रहा है तो हम तो बैठ के खो गए, आहा क्या गीत है, और तुम सो गए। क्यों? क्योंकि उस गाने की फ्रिक्वेंसी मेरे से मैच कर रही है। तो ये क्या है, ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी हर बॉडी की गॉड ने बनाई है, वो उस हिसाब से उसको मैच कर जाती है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल, आपने मियाँ तानसेन का नाम सुना होगा। अकबर के दरबार में एक नवरत्नों में से थे मियाँ तानसेन। कहा जाता है कि वो अपने वाद्य यंत्र जो बजाते थे, पहले उसका नाम बताओ क्या था, क्या बजाते थे वो, जिस चीज को बजाते थे उसका नाम क्या था? तानपुरा। क्या था? तानपुरा, भी ऐसे से बजता था। ठीक है, अब वो देखिए, वो बताते थे जो बजाते थे तो बरसात हो जाती थी, पत्थर जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, दीपक जल जाते थे, ऐसा बताते थे। उसका कारण क्या था? देखिए, पत्थर की अपनी फ्रिक्वेंसी है, हमारे संगीत की फ्रिक्वेंसी अगर मैं लगातार उस पत्थर की फ्रिक्वेंसी के बराबर कर दूं तो वो क्या होगा, हमारी फ्रिक्वेंसी और पत्थर की फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है, तो धीरे धीरे पत्थर के अंदर के पार्टिकल के ऑसिलेशन बढ़ जाएंगे और वो टूट जाएगा। बादल की फ्रिक्वेंसी हमारे अगर संगीत से की फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो बारिश हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। अब आप कहेंगे आजकल क्यों नहीं होता, आजकल नहीं हो सकता, क्यों भाई? आजकल एक तो जो सिंगर्स हैं वो रियाज नहीं करते, इतना प्रैक्टिस नहीं करते, उसका कारण है, उनको फटाक जाना है एक सेट पे, काला कौवा काट खाए गाना गाना है, दौड़ के आना, फिर दौड़ जाना है, काला कुत्ता काट खाएगा, वो इतने गाने उनको उपटांग टाइप के गाने गाने हैं कि उनको रियाज होता नहीं। ठीक है, तो ये मियाँ तानसेन का फ्रिक्वेंसी का कंसेप्ट था, ये रेजोनेंस का कंसेप्ट था। ठीक है, आपने देखा होगा सुराही जिसके घर में हो, पानी जब भरते हैं आप तो पानी जब ऊपर आता है तो आपको कुछ साउंड चेंज नजर आती है, आइडिया लग जाता है पानी भरने वाला है। अगर आप ग्लास में ऐसे पानी भरें आरओ से और ऐसे मुंह कर लें तो आपको लग जाएगा कि ग्लास भरने वाला है। क्यों?
देखिए जिसमें ग्लास खाली था, जब पानी की बूंद गिरी उसे टप से, तो वहां से साउंड निकली। अब ग्लास खाली है, ठीक है, ग्लास शुरुआत में क्या था आपका, एक खाली ग्लास था, यह ग्लास खाली है मान लिया। अब पानी इतना आया तो यहां से फ्रीक्वेंसी अपनी निकली होगी इधर बाहर, साउंड फ्रीक्वेंसी, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। इसके बाद थोड़ा और भरा, अब यहां से इतने से साउंड निकलेगी। तो क्या हो रहा है कि जो एयर की लेंथ है वो चेंज हो रही है, पहले कम थी ज्यादा थी, फिर पानी भरता भरता चला गया, एयर की जो लेंथ है, एयर कॉलम की, वो चेंज होती है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो उस फ्रीक्वेंसी से हम पहचान जाते हैं कि ये भरने वाला है। तो ये कुछ बातें समझ में आ गई। उसी प्रकार से रेजोनेंस होता है, हमारे जो है जो FM चैनल्स होते हैं उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, हम उसको ट्यून करते हैं, देखा होगा ट्यून लिखा होता है, आप उसको ट्यून करते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो वहाँ से वेव भेज रहा है उस फ्रीक्वेंसी को जो आप ट्यून कर ले जाते हैं, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, तो दोनों के एम्पलीट्यूड बढ़ गए और एनर्जी बढ़ गई, और उस फ्रीक्वेंसी को हमारा जो टीवी होता है या हमारा जो रेडियो होता है वो कैच कर लेता है और कार्यक्रम उनको दिखाई पड़ता है। इसी